सीएम मनोहर लाल प्रेस से मुखातिब हो रखे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। बस कुछ ही देर में प्रेस के सवालों का जवाब सीएम मनोहर लाल देते नजर आएंगे। नहीं है इतना देरी से आने का, लेकिन कोई एक कार्यक्रम पंचकुला में था, वो स्वाभाविक कई बार अपने हाथ में भी नहीं होता, तो इसलिए 15 मिनट 20 मिनट लेट आया हूँ। आज का विषय मुझे एक बात जो आपसे कहनी है, करनी है, जिस पर चर्चा भी बाद में कर सकते हैं, कि कुछ कन्फ्यूज़न टाइप कई बार कुछ चीज़ों को लेकर के जो फैलता है, तो उसमें हमें लगता है कि हमें अपनी बात को आपके सामने कह देना चाहिए, ताकि लोगों को भी ठीक से इसे चला जाए। आज का विषय मेरा है कि किसानों में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम शायद किसानों के बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन मेरा इसमें कहना इतना ही है कि जितना हम किसानों के बारे सोचते रहे हैं, आज सोच रहे हैं और आगे सोचेंगे, शायद अभी तक किसी ने किसानों के बारे में इतना सोचा हो, चाहे केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और चाहे उनका अनुसरण करते हुए हम भी जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाएं खड़ी करते हैं, विभिन्न प्रकार की सहायता उनको देते हैं, तो वो कहीं भी पिछली सरकारों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। अगर मैं उसमें आपको कुछ चीज़ों को उल्लेख करना चाहूँ, वो यही कि किसान की जो स्थिति थी अपने देश में 8-10 साल पहले, दयनीय स्थिति जैसी बनी हुई थी, उसको बाहर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने भरसक प्रयत्न किए हैं, जिसके अंदर किसान की आय कैसे बढ़े, उसका खर्चा कैसे कम हो, उसको अपनी फसल का एक प्रकार से कैसे ज़्यादा दाम मिले, इसके लिए लगातार प्रयत्न करते हैं। और जहाँ तक मार्केटिंग का विषय है, मार्केटिंग में भी हम लोग किसान के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते आए हैं। उन योजनाओं में बहुत सी योजनाएं मैं उसका उल्लेख करूँगा, लेकिन आज सबसे पहले शुरुआत करने के लिए एक मुझे बटन दबा करके जो मैसेज आपके माध्यम से सबको देना है, वो ये है कि हमने अभी 1000 रुपया प्रति क्विंटल जो सूरजमुखी का डिक्लेयर किया है, इंटरिम भावांतर भरपाई, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ इंटरिम भावांतर भरपाई, तो उसके नाते से जो पैसा हमने आज उनको इस समय बटन दबा करके भेजना है, वो जो कि आपको भी पता है कि यहाँ से जो बटन दबाया जाता है उसमें बैंक के रोल होते हैं, उसमें बैंक्स जो हैं वैसे तो एक दिन के बाद करते हैं, लेकिन परसों क्योंकि कल क्योंकि संडे है, इसलिए अभी जो बटन दबा रहे हैं वो पैसा मंडे को उनके खाते में पहुंचेगा। तो टोटल अभी हाँ दिखाई कुल 29,13,12,8,528 किसानों को, जिसमें 36,414 एकड़ ये सूरजमुखी है और इसको अब जो है उनको भेजा जा रहा है भावांतर भरपाई योजना का 1000 रुपया प्रति क्विंटल, प्रति एकड़ 8 क्विंटल का एक एवरेज लेकर के उनको भेज रहे हैं, चाहे उन्होंने अभी मंडी में बेचा है या नहीं भेजा है, एडवांस में उनको जाएगा और वो मंडी में बेच सकते हैं, किसी प्राइवेट एजेंसी को भी बेच सकते हैं, वो सरकारी PSU है फेड को भी बेच सकते हैं, लेकिन अभी एक इंटरिम रिलीफ उनको 1000 रुपया ये दिया जा रहा है, इसका मैं और बटन दबा करके इसका लॉन्च किया है, शुभारंभ किया है। तो मैं जो विषय चला रहा था वो ये कि हमने किसानों के लिए उनकी आय कैसे बढ़े और कैसे उनके खर्चे कम हो, उसके लगातार प्रयत्न किए हैं, और कुछ प्रावधान केंद्र सरकार की ओर से आए भी थे, वो एक चैप्टर ऐसा है जो आपको पता है, हमको पता है कि कैसे मार्केटिंग में लोगों को सुविधाजनक तरीके से अपने फसल को बेचने के लिए जो कुछ बंधन बने हुए हैं उनको हटा करके और मौका मिले सबको, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदार आए, ज़्यादा से ज़्यादा मंडियों में नई मंडियाँ भी खुलें, उनके रेट्स कंपटीशन में आ करके और उसकी डिमांड बढ़े, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स उसमें आए, लेकिन वो दुर्भाग्य से 3 कानून वाला जो विषय था उसमें कई चीज़ें थी
और किसान हित में थी, लेकिन नहीं हो पाई। ठीक है, वो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि हम शायद उनको समझाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन अब जैसे जैसे ये कठिनाइयाँ आती हैं बीच बीच में, तो उनके कई लोग बोलते हैं कि कई चीज़ें उसमें जो अच्छी थी वो मिस हो गई। दोबारा से फिर कभी कोई विषय आएगा तो वो केंद्र सरकार अथवा किसानों के संगठन जो एक कमेटी बनी है उसमें विचार करके सोचते वो करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसा पहला विषय कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से हर वर्ष MSP को बढ़ाया है, और पिछले 8-9 वर्षों में, केंद्र सरकार को 9 वर्ष हो गए चलते हुए, तो इन 9 वर्षों में कितना बड़ा परिवर्तन आया है उसके मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। धान जो है 1360 और 1402 उसकी वैरायटीज हैं, आज उसका रेट 2200 रुपया के लगभग ये है, 803 रुपये की वृद्धि उसमें हुई है। ऐसी ज्वार जो है वो 1530 और 50 के दो वैरायटी हैं, उसमें भी लगभग 3200 रुपया, 1650 रुपया उसके अंदर बढ़ा करके, और ये अब जो 23-24 की जो अनाउंसमेंट हुई है, जो घोषणा हुई है। बाजरा जो 1250 रुपया था, एकदम डबल वो 2500 रुपया होने जा रहा है इस वर्ष का जो बाजरा है। रागी है 1550 से ये 3846, इसमें तो 150% वृद्धि हुई है। अरहर 4350 से 7000 रुपया, मूंग 4600 से 8500 रुपया, सूर्यमुखी 3750 से 6760 रुपया, तिल 4600 से 8600 रुपया, ऐसे ही कपास भी लगभग 2900 रुपये की वृद्धि इसमें भी हुई है, जो दो वैरायटी हैं 3750 और 4050। मेरा कहना है कि हर एक चीज़ में इस प्रकार की वृद्धि पहले कभी नहीं हुई जितनी वृद्धि अब की जा रही है। इसमें एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि दो फसलें तो ऐसी हैं जो केंद्र सरकार FCI के माध्यम से खरीदी जाती हैं, वो है धान और गेहूँ। कपास जो है वो CCI खरीदती है, और बाकी चीज़ें हैफेड के द्वारा हम स्टेट में खरीदते हैं, नेफेड के द्वारा केंद्र सरकार खरीदती है, आवश्यकता अनुसार जितनी आवश्यकता होती है वो खरीदी जाती है। और जब भी कोई चीज़ खरीदने में हमको कठिनाई आती है, और वो कठिनाई का एक विषय मैं सबको आपके माध्यम से सभी को ध्यान करना चाहता हूँ कि कई बार स्टेट को खरीदे, स्टेट ही खरीदती है, सेंटर नहीं खरीदता है, तो उसमें कठिनाई है आसपास की स्टेट्स में रेट बहुत कम होता है, हम उसको रेट बढ़ा करके लेते हैं, तो जो आसपास की स्टेट्स का प्रोडक्ट है किसानों का वो स्मगलिंग होकर के यहाँ आना शुरू होता है। हमने ये कठिनाई बाजरे में जब शुरू में ध्यान में आया, तो पहले वर्ष में हमको बाजरा जब सारा खरीदा और MSP पर खरीदा, तो किसानों के माध्यम से जो उनके रिश्तेदार होते हैं या व्यापारियों के माध्यम से, आढ़तियों के माध्यम से, कोई ना कोई रास्ता निकाल करके और हरियाणा की मंडियों में वो सामान आके बिखरे लगा। अब वहाँ तो 1200 रुपये का रेट, हम उसको 1900 या 2000 में खरीद रहे हैं, तो हमको लगभग उसका उस साल में 1000 करोड़ रुपया नुकसान हुआ जिन एजेंसीज ने खरीदा। हमने उसमें से रास्ता ही निकाला कि हमारे पास एक मेरी फसल मेरा व्यवहार में रजिस्टर्ड जो डाटा है किसानों का कि उन्होंने ये भरा है, और भरने के बाद फिर उनको अगर हम पूरा खरीदेंगे तो वो कई प्रकार के विवाद आएंगे, सारी एजेंसियाँ आएगी, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से उनको पर एकड़ पैसा जितना लॉस होता है वो लॉस हम देते हैं। बाजरा पहले साल 600 या 650 था, 650 पहले साल था, उसे पहले साल पूरा खरीदा, लेकिन अगले साल 650, उसके बाद 400 रुपये रेट थोड़ा ठीक हो गया, 400 रुपये भी बल्कि 450 बल्कि लास्ट में तो जो 450 दे करके जो बाजार में बिका वो MSP से भी ज़्यादा हो गया। बहुत लोग तो थोड़ा सा रोक के चलते हैं, फिर काफ़ी रेट आगे भी बढ़ता है, प्रारंभ में रेट कम होता है मंडियों में, बाद में कंपटीशन आ गया या जब अवेलेबिलिटी कम होती है, सरकार की एजेंसियाँ भी उसमें जाती हैं तो रेट बढ़ते हैं। तो इसलिए कई बार MSP देने के बाद भी और ज़्यादा लाभ किसान को हुआ है। अब हम तो केवल उसका गैप है, भावांतर का मतलब ये कि भाव का जो अंतर है और वो कोई एक फिक्स नहीं हो सकता, उसमें कई बार तो अनुमान से ही निर्णय करना पड़ता है। ये सारा 2 वर्ष किया है, इस बार यही स्थिति आई है सूरजमुखी में। सूरजमुखी का जब हमने 1000 रुपया सोचा था, घोषणा थोड़ी लेट की लेकिन जब सोचा था उस समय मार्केट में रेट 40-48 रुपया चल रहा था। अचानक जो इम्पोर्ट ड्यूटी ख़त्म की पाम ऑयल के ऊपर, तो रेट एकदम डाउन आ गए, सरसों के भी रेट डाउन आए, सूरजमुखी के भी डाउन आए, तो वो 1000 तो हमने घोषणा किया, और वो भी हमने उसमें लिखा था कि इंटरिम एक प्रकार से सब्सिडी है, सब्सिडी नहीं भावांतर भरपाई है, हम इसका विचार करके रेट को देखेंगे और रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, उस रेट के हिसाब से इसको आगे जो बढ़ाना होगा बढ़ाएंगे।
रेट ज़्यादा कम आया तो हैफेड की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि हम इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि हैफेड कमर्शियल परचेज करती है। तो मैंने कहा ठीक है, आप खरीद सकते हैं, तो मैक्सिमम रेट जितना आप मार्केट में कम्पीट करने के लिए खरीद सकते हैं आप खरीदिए। उन्होंने सोचा कि 4800 रुपये हमारा कंपटीशन आ जाएगा, 4800 खरीदेंगे, 4800 और 1,5800 बनता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, हमारे सबका जो टीम के रूम में बैठे, कि ये रेट 4800 से ऊपर जाएगा। कल ही शहबाद में 4850 बिका, जो ढेरियाँ 4800 रुपये खरीद रहे थे हैफेड के लोग, वो उनको नहीं मिली, बल्कि बाहर व्यापारी ने 4850 खरीदी। अब वो 4850 खरीदेंगे, स्वाभाविक है हैफेड जो खरीदना होगा तो 4900 में जाएगा। तो इस कंपटीशन में हमको लगता है कि रेट 5500 तक भी जाएगा। अगर ये 5500 जाता है, 1000 रुपये मानो उनको हम, तो 65 हो जाता है, 64 की बजाय 65 ही हो जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये रेट 6400 के आसपास उनको मिले किसानों को। लेकिन आज निर्णय एकदम करने से बाजार रेट में कई बार कठिनाई आती है, हम इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और बहुत जल्दी जैसे ये रेट्स तय हो जाएंगे तो उस समय हम रिवाइज भी कर सकते हैं। क्या भावांतर भरपाई, और रेट तो मार्केट ने अपने आप करना, उसमें हमारा रोल ज़्यादा नहीं है। हाँ, हैफेड उसको खरीदने में अपने जितनी क्वांटिटी उनको चाहिए वो खरीदने में आगे बढ़ेगी। हैफेड से जो हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लास्ट डे तक भी मार्केट में रहेंगे, किसी का भी किसी को शक ये हो कि शायद हम बीच में छोड़ के जाएंगे, हम खरीदने के लिए अपनी क्वांटिटी में 4800 तो आज खरीद रहे हैं, अगर कम मिलेगा हमें तो हम अपने रेट को यानी अपनी क्वांटिटी को पूरा करने के लिए इस रेट को जहां तक भी हमको मिलेगा वहां तक हम लेकर के जाएंगे। स्वाभाविक है जब मार्केट में रेट बढ़ता तो हैफेड को भी उसमें उसके अंदर एक कंपटीशन में इजीनेस हो जाती है, क्योंकि मार्केट उन्होंने बेचना है, उनका अपना सामान जो है, चाहे वो तेल निकालेंगे उसका, चाहे उसमें घी बना के बेचेंगे, वो मार्केट में बिकता, मार्केट के रेट के हिसाब से बिकता। तो इस नाते से मैं इतना ही उसमें अश्योर कर सकता हूँ कि हम इसमें जो MSP है वहाँ तक रेट ले जाने के लिए हमारा पूरा प्रयत्न है। लेकिन आज इस समय में कोई बात कहना वो हमारे लिए दोनों तरफ से हमको लगता है कि उचित नहीं है। हाँ, इसके ऊपर कुछ राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते हैं, कुछ दबाव डालने के लिए भी संगठन लगे रहते हैं कि जो करना आज ही करो, जो करना आज ही करो। हम उनको समझाते हैं और कभी कभी तो उनको समझ में आती है, जैसे हमारी जो संगठन जिन्होंने इसका मांग की थी, तो पहले दिन तो यही बात आई थी कि ठीक है आप हैफेड को उतार दीजिए, 1000 रुपये आपने दे दिया, आप हैफेड को उतार दीजिए, रेट हमारा बढ़ जाएगा, बाकी ठीक हो जाएगा। हमने बात मान ली, लेकिन जब मान ली तो फिर कह दिए नहीं, पहले पूरा घोषणा करो। तो घोषणा करने का, जब भावांतर भरपाई दी जाती है तो घोषणा हम नहीं कर सकते, इस नाते से उस काम को किया। अब एक सज्जन तो हमारे अब राजनीति कहूँगा, अपने इस्तीफे का भी बयान कर गए। मैं सोच रहा था कि भी वो कोई इस्तीफा उनका, क्योंकि एज चेयरमैन ऑफ शुगर केन जो बोर्ड है उस नाते से इस्तीफा मेरे पास आना चाहिए या सरकार में किसी को मिलना चाहिए, वो हम ढूंढ ही रहे हैं, कहीं इस्तीफा हमें मिला नहीं है, कहाँ है वो। अगर आ गया तो ठीक है, आएगा तो उसके बाद फिर उनसे बात करेंगे ना। अब तक इस्तीफा आया नहीं सर ना किसी के पास, हमारे पास सरकार में किसी के मंत्री हवा पे आपने बात नहीं की है। नहीं, वो तो देखिए सामने वाला क्या सोच के कह रहा है ये उसकी अपनी बात है, इस्तीफा आएगा तो बात करेंगे, हमारे पास कोई इस्तीफा आया नहीं है। अब यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पूछो कि कहाँ गया इस्तीफा। मेरे पास कोई इस्तीफा नहीं आया, जहाँ भी। अच्छा, अभी आप कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं, अभी तो मैं कहने वाला हूँ, मैं बहुत कहने वाला हूँ, नहीं मैं तो विषय भी आपको केवल भावांतर भरपाई का वो रखा है, और जो से जो मुझे समाचार मिल रहा है कि आज यानी सूरजमुखी जो हम तो आज भी 4858 तो सुनिश्चित हो ही गया ना, गैप तो यही रह गया कि और कैसे बढ़ाएं उसको। पंजाब में इस समय भी जो रेट चल रहा है सूरजमुखी का 4042 चल रहा है। अभी हमको दूसरा भी इसमें खतरा लगता है कि 4042 तो इसलिए वो ले आएंगे कि जरूर उनके कुछ साथी जो हैं वहां से खरीद खरीद के 48 में यहाँ बेचने की कोशिश करेंगे। हालांकि हैफेड ने भी वो कंडीशन तो लगाई है कि जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उसी का खरीदेंगे, लेकिन जी सेल परचेज में सरकार का रोल नहीं होता, वहाँ आड़ती भी, व्यापारी भी, उनके साथी भी, पंजाब के कई चीज़ें चलती हैं, तो वो विषय हैफेड का है, हमारा इतना नहीं है। हैफेड ने कम्पीट करना है बाजार में, हमने जिनका रजिस्टर्ड है उन्हीं को देना है। कुछ लोगों ने हमने 3 दिन के लिए उनके कहने पर रजिस्ट्रेशन खोला था, ये विषय भी आपको बता रहा हूँ ताकि लोग ये बोलेंगे। तो
तो तीन दिन में ही जो पहले 40 अभी तो हमने कितना एकड़ दिया हमें 36,000, तो लगभग 2-3,000 एकड़ और भी इसमें निकलेगा जो पहले का हुआ है किन्हीं कारणों से टेक्निकल कारणों से रुका होगा, लेकिन 40,000 एकड़ का रजिस्ट्रेशन हमारा पहले हुआ था। हमने सोचा कि भाई चलो जो लोग रह गए होंगे 2% रह भी गए हों तो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए खोलते हैं और खोलने के बाद उनको मौका मिल जाएगा, किसी गलती के कारण से रह गया होगा बाद में उसका मिलान करेंगे। लेकिन उन्हीं 3 दिनों में कितना 17,000 एकड़ और एडिशनल लोगों ने रजिस्टर कर दिया, और उसमें से ऐसे खेतों का भी रजिस्टर कर दिया जहां पहले गेहूं बोया हुआ था। गेहूं 15 अप्रैल से पहले कटता नहीं है, और 15 मार्च यानी सूरजमुखी 15 मार्च से पहले बुआई होती है। अब उस एक महीने में 2 फसलें तो नहीं थी वहां, तो आखिर उसको चेक करने के बाद हमने 9,000 तो तुरंत काट दिया है, 6,000 के भी वेरिफिकेशन चल रही है। तो उस वेरिफिकेशन में एक्चुअल में अगर वो खेत 15 मार्च से पहले खाली था, क्योंकि आज तो कट चुका सूरजमुखी भी कट चुकी, तब तो मानेंगे सूर्यमुखी हो सकती है, लेकिन अगर 15 मार्च को वहाँ गेहूं है तो सूर्यमुखी उन्होंने गलत डाली है। तो कुल मिला करके ये सारे झंझटबाजियां चलती रहती हैं, इसमें किसानों को समझाते भी हैं। किसान हमारे अपने लोग हैं, किसानों का अहित कोई भी ना कोई प्रदेश कर सकता ना केंद्र कर सकता, किसानों के प्रति हमारी सबकी सद्भावना भी है, मैं स्वयं भी किसान हूँ। लेकिन किसानों को एक बात जरूर कहना चाहेंगे, ऐसे किसी के चंगुल में ना फंसे जो उनको बरगलाए, लालच करके उनको कहना है उल्टा सीधा रास्ता कुछ भी दबा कि हाईवे रोक देंगे। अब ये हाईवे रोकना कोई लोकतंत्र के प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है। अल्टीमेटली कोई व्यक्ति कोर्ट में गया, कोर्ट ने ऑर्डर ले लिया, पिछली बार भी यही हुआ था कि कोर्ट से ऑर्डर लेकर के और खुलना पड़ा था उनको, इस बार भी कोर्ट का ऑर्डर लेकर के शाम को पुलिस ने खुलवाया। ये लोकतंत्र में किसी की भी हम फ्रीडम को अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं, जनता का आना जाना है। आप शांतिपूर्वक तरीके से कहीं को प्रश्न करने को भी कुछ कहते नहीं है। तो मेरा किसानों के लिए हमने प्रधानमंत्री ने सीधी एक ऐसी घोषणा कर दी कि हर साल मैं किसान को 6,000 रुपया दूंगा, 4 महीने बाद 2,000, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब कोई मांग तो नहीं थी इसकी, लेकिन नहीं, किसान को थोड़ा बुआई के समय उसके खेत के लिए, छोटे किसान खास करके 6,000 रुपया काम आएगा, अपनी फसल को उगाएगा। लोन देते हैं वो अलग, फसली लोन जाता है फसल बुआई के लिए, और उसमें भी 7% का जो इंटरेस्ट होता है 3% केंद्र सरकार देती है, 4% स्टेट गवर्नमेंट देती है, भी करती है 7% इंटरेस्ट, 0% इंटरेस्ट पर वो लोन मिलता है। हर तरह की सुविधा किसान को ऐसी दी जाती है। खराबा होने के बाद पहले तो केवल सरकारें देती थी, सरकार के रेट 3,000, 4,000, 6,000 रुपया उस समय यही होता था पर एकड़। हमने आने के बाद उसको 15,000 रुपया किया, और साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम जो है देश में चला कि आप थोड़ा सा प्रीमियम बना दीजिए उस कंपनी को यानी उसका परसेंटेज के हिसाब से, शायद कितने परसेंट हम कितना देते हैं 80%, 10 या 20% किसान को देना होता है, 80% केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार देती है। प्रीमियम का भी बहुत कम नॉमिनल प्रीमियम, 500 रुपया एकड़ समथिंग है, इंश्योरेंस हो जाता है, और इंश्योरेंस में रेट भी उसके ज्यादा है, उसकी कवरेज जो है लॉस की उसमें ज्यादा है। तो इस नाते से वो भी बहुत बड़ा है, किसानों को राहत मिलती है। मुआवजा हमने जो खराबे का है, यानी आप ये मान के चले कि पिछली सरकार ने 10 साल में 1158 करोड़ रुपया मुआवजा दिया था, और हम इन 8.5 साल में 9,790 करोड़ रुपया, यानी 8 times उन्होंने 10 साल में 1158 दिया, हमने 9 साल में 9,760 दिया। हमने तो आते ही पहले साल 2015 में हमारा 1200 करोड़ हो गया था उनका 10 साल का हमारा पहला मुआवजा, क्योंकि उस समय 2-2 रुपए 4-4 रुपए के चेक जाते थे। हमने तो वो भी तय किया कि अगर एक एकड़ में मान लो अगर 50 भी हिस्सेदार हैं तो उन सबको न्यूनतम 500 रुपये जरूर मिलेगा, 2-4 रुपए के चेक नहीं मिलेंगे, चाहे 25,000 जाए 50,000 जाए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी होते हैं वो, लेकिन न्यूनतम 5,000 रुपये 500 का चेक ये हर एक को जरूर मिलेगा। या तो दो नहीं दो तो इतना तो दो, अगले को पता तो लगे मिला, 500 रुपया न्यूनतम है, और ये भी हमने आकर के इसको शुरू किया। फिर जैसा हम देखते हैं फसल अवशेष, इस कार्यक्रम को मैंने शुरू किया, 1,000 रुपये एकड़ उसकी फसल का, वो अवशेष केवल उठा करके कहीं भी बांध ले, गांठ बांध दे, उसका उपयोग करे, किसी को बेच दे, हम उसके इकट्ठा करने का भी 1,000 रुपया एकड़ देते हैं उसके डिस्पोज,
जलाए नहीं, जलाएगा तो फिर नहीं, लेकिन उसको उपयोग करेगा तो 1000 रुपए एकड़ उसकी सब्सिडी वो हम देंगे। हमने जो किसानों के लेन देन का स्टाम्प ड्यूटी 2000 रुपए से ये 100 रुपया किया, मुख्यमंत्री किसान खेतर मजदूर जीवन सुरक्षा बीमा योजना में जैसे कि डेथ हो जाती है 5 लाख रुपया था, उसको हमने 10 लाख रुपया किया कि भी ये भी उनको लाभ मिले। इसी प्रकार जो धान और कपास की जो मार्केट फीस 2% होती थी उसको हमने 0.5% किया, हालांकि इसका किसान को इतना लाभ नहीं जितना व्यापारी को लाभ होता जो खरीदार होता है, क्योंकि खरीदार को देना होता है, फिर भी किसान को इनडायरेक्टली उसका एक लाभ तो होता है ना कि हाँ खरीदार जो है आसानी से खरीदता है, उसको 1.5% कम होता तो इसका रेट बढ़ाएगा, तो रेट तो अल्टीमेटली मार्केट रेट का जो कहीं भी कोई खर्चा कम होता तो अल्टीमेटली जो सेलर होता है उसका रेट बढ़ता है, तो उसका भी किसान को लाभ होता है। ऐसे ही हमने बहुत सी ऐसी योजनाएं, सोलर पंप का मामला है, फिर भावांतर भरपाई मैंने आपको बता ही दिया है, MSP भी, जहां कहीं हमको इसमें खतरा नहीं होता कि पड़ोस के प्रदेशों से कुछ स्मगलिंग होती है, उसके MSP पर हम खरीद करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। जैसे हमने पिछले दिनों के अंदर जो 15-16 फसलें जो की हैं उसमें मूंगफली भी हमने की, मूंग हमने किया है, बाजरा तो अब 2 साल से नहीं कर रहे हैं, तिल हम कर रहे हैं, कपास भी CCI के माध्यम से जा रही है, वो सारी जाती है, सूरजमुखी का पहली बार हमने ये भावांतर किया, वरना ये भी पहले, और कभी सूरजमुखी बिकती नहीं, खरीद सरकार नहीं खरीदती थी, पिछले 5 साल से खरीद जा रही है। विधान में है कि 1 साल बाद उठी थी, मैं स्वयं शाहबाद मंडी में गया था और मंडी में जाकर देखा कि सूरजमुखी जो है वो बरसात भी आई हुई थी उस दिन तो बिखरी पड़ी है और वहाँ खरीदार कोई नहीं है। हमने कहा उस साल 25% खरीदी थी, अगले साल 50% खरीदी, तीसरे साल 100% खरीदी, लेकिन इस बार जब झगड़ा हुआ कि इसका जो पंजाब से स्मगलिंग बहुत हो सकता है तो हम किसान को उतना ही पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन खरीद की बजाय हम उसका भावांतर भरपाई का ये हमारी योजना हमने बनाई है। इसका मुख्य कारण तो स्मगलिंग है कि हमने उसको MSP भी नहीं खरीदा मोटे रूप से, क्योंकि हमें लॉस ज़्यादा होता है। वो बाजरे के संबंध में हम जैसे राजस्थान से स्मगलिंग हुई उसका एक हमको जो अनुभव है वो ये है, और आज भी हम तो जो हमारे पास रजिस्टर्ड है उसको देंगे। ऐसे ही हमने पानी किसान को पूरा मिले, टेल तक हमने पानी पहुंचाया, पानी के जो जो प्रबंध किए हैं, कल भी मेरी बातचीत में आप लोगों ने सुना होगा मैंने सारा विषय पानी का रखा, तो चलो खैर पानी स्टोरेज एक बहुत बड़ा विषय है। हमने खास करके सिरसा जिला, हिसार जिला, पानी की जो डिग्गियाँ बनाई हैं, पानी का जब उपलब्ध होता है उसमें भरो, जब जरूरत है उसमें माइक्रो इरीगेशन का उपयोग करो। अभी सिरसा जिले में जो 3 दिन का मेरा टूर था, उनका कि डिग्गियों की जितनी अधिक आप कर सकते हो हमारा बहुत लाभ होगा, बल्कि लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि इस डिग्गी के लिए तो आप थोड़ा सा भी सब्सिडी दे दो, ज़्यादा ना भी दो, लेकिन इसका एक बार हमें खोदने दो, क्यों परमिशन लेनी पड़ती है, पानी हमको देना है, तो पानी सेंक्शन कर दो इसका, और डिग्गियों का थोड़ा सा भी सब्सिडी देंगे, बाकी हम लगाएंगे इसका प्रोग्राम जो है इसको आप चलाइए। तो हमने डिग्गियाँ खुद उसकी खुदाई है, 4000 ऑन फार्म वाटर टैंक ये बने हैं और एक ही साल में बने हैं, जिसका 20,000 एकड़ के अंदर उनको सिंचाई का ये लाभ हो रहा है। इसको और आगे बढ़ाएंगे कि अगर पानी जब बरसात का आता है तो उसको कैसे इकट्ठा कर सकें, या बरसात के सीजन में नहरों में पानी पर्याप्त होता हमारे पास तो उसको हम डिग्गियाँ भरते हैं, साल में 2 बार भी डिग्गी भरेंगे तो अपना खेत में सिंचाई कर लेंगे। ऐसे ही 4000 तालाब हमारे ऐसे हैं जो साउथ हरियाणा में है, उन साउथ हरियाणा के तालाबों को भरना, जैसे मैंने कल बताया कि मसाणी डैम है उसको को भी भरते हैं, तो ऐसे पानी को स्टोरेज और पानी की रिचार्जिंग इसमें जितना भी पैसा खर्च हो रहा है उसको हम करते हैं। बागवानी के लिए भी भावांतर भरपाई में भी हमने इसको लिया है, 14 जो हैं बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इसराइल को भी हमने इसमें शामिल किया है। तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट विदेशी सहायता से भी वो भी हम करते हैं ताकि किसान को इसका लाभ हो, जैसे मशरूम केंद्र है, जैसे मधुमक्खी का है, रामनगर में मधुमक्खी का जो केंद्र है वो भी विदेश की एक टेक्निक है उसके माध्यम से ले रहे हैं। FPOs हमने बनाए हैं, वर्टिकल खेती इस पर हम चले हैं, हाइब्रिड सब्जी ये भी एक प्रयोग कोई चल रहा है, पशुपालन, अब पशुओं का बीमा ये भी हरियाणा ने ही शुरू कराया, तब जाकर के देश के कुछ और प्रांतों में शुरू हुआ है, कि पशु भी आकर किसान का एक धन होता है,
उसका भी लॉस होता तो उसको मिलना चाहिए। पशुधन सुरक्षा योजना के अंतर्गत 8,52,000 पशुओं का बीमा किया गया। फिर क्रेडिट कार्ड, पशु क्रेडिट कार्ड, एक तो किसान क्रेडिट कार्ड है, पशु क्रेडिट कार्ड ये भी चालू कराया ताकि पशु भी कोई खरीदे बेच सके, उसमें भी उसको पैसा चाहिए तो ले सके। देसी गायों की जो डेयरी का भी हम जो सब्सिडी देते हैं वो भी 83 करोड़ रुपया जा चुका है। दूध का 5 रुपये किलो लीटर का, ये भी पशुपालकों को इसका भी हम लाभ देते हैं। प्रगतिशील किसान, उनकी सम्मान योजना और नए प्रगतिशील किसान कैसे बने उनकी ट्रेनिंग का, ये पैसा भी हम अलग से इन सबको देते हैं। कुल मिलाकर के जितनी भी योजनाएं हैं, ये चाहे हमारी सिंचाई की योजनाएं हैं, इन सिंचाई की योजनाओं में भी कुल अभी तक पिछले 5 साल में जो हम अनुदान और जो इन योजनाओं को सरल बनाने के लिए हमने जो खर्च किया है 6, 3, 9, 5, 14 और लगभग 1500 करोड़ रुपया इस पर अभी हम खर्च कर चुके हैं 5 साल में, नहरों के सिस्टम को ठीक करने के लिए। हमारा एक तो जो WJC का प्रोजेक्ट है उसका बहुत बड़ा लाभ ये अगले सालों में मिलने वाला है, जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी प्रकार जो खेती के लिए जितनी मैंने योजनाएं बताई हैं उसमें किसान सम्मान निधि है, बीमा है, खराबा है, अवशेष जो बचे हैं उनका, जीवन सुरक्षा की जो मैंने बात बताई है, सोलर सब्सिडी, सोलर सब्सिडी जो छोटे पंप हैं 10 BHP वहाँ तक के जो है 52-53 हज़ार अभी हम पिछले साल में लगा चुके हैं। हमारा टारगेट 4,000 का था, 53,000 सोलर लगाए हैं, 960 करोड़ रुपया इसमें सब्सिडी दी है। फिर मिकाडा मैंने बताया, कोल्ड स्टोरेज, मधुमक्खी, मशरूम, वर्टिकल खेती, पशुपालन, इन सब पर मिला करके पिछले 5 या 8 सालों का भी कुछ है, कुछ 5 सालों का दिया है, अलग अलग करके है, तो ये 23,500 करोड़ रुपया केवल सब्सिडी का गया किसानों को। और इस प्रकार से इतनी बड़ी मात्रा में नहीं, इसमें इसमें बदली से बदली नहीं है, इसमें किसान सम्मान निधि है 4,300 करोड़, 6,100 करोड़ जो बीमे का अनुदान मिला है लोगों को, नहीं जो फसल बीमा योजना 6,100 करोड़ मिला है, 6,100 सरकार ने जो खराबे का दिया वो 9,760, तो कुल मिला के 9, 6, 15, 4, 19, 20 तो यही है, बाकी लगभग 2,500 करोड़ रुपया बाकी छोटे छोटे और जो आइटम्स हैं जिसमें भावांतर भरपाई योजना ही 900 करोड़ रुपया तो जा चुका है बाजरा, और ये जो आज हमने 29-30 करोड़ मैंने जोड़ा 29 करोड़ 13 लाख है, तो ये कुल मिला के 900 करोड़ रुपया ये गया है। तो ऐसा किसान के हित में जब भी कोई बात आती है, ऐसा ही नहीं हम कहते कि किसान हमारा अन्नदाता वो है, लेकिन मेरा फिर वही कहना है कि किसानों को भी हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे जो किसान संगठन एक राजनीति के तौर पर चीज़ों को आगे बढ़ाकर करते हैं और प्रेशर जो होता है उस प्रेशर से कोई लाभ होता नहीं है, जो हमने किसान को देना वो देना ही है, और एक किसान के प्रति हमारे मन में जो एक भाव है उसके प्रति का सम्मान का भाव, आदर का भाव, सहानुभूति का भाव सब है, क्योंकि छोटा किसान है, छोटे किसान को तो बहुत संकट होता है, 1 एकड़ 2 एकड़ वाला तो परिवार के सिस्टम को चला ही नहीं सकता है, बड़ा किसान फिर भी अपने सिस्टम को चला लेता है। तो इसलिए ये जो चीज़ें की गई हैं और पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी, मुझे लगा कि इस विषय को आपके माध्यम से मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। तो इस संबंध में आपको कोई बात लगती है, कोई सुझाव देने की, कुछ प्रश्न करने की, तो मैं देखिए अभी 5 जिलों में होकर आया हूँ और प्रत्यक्ष गाँव में गया हूँ, किसानों के बीच में बैठा हूँ, उनको सब कुछ मालूम है, केवल किसानों के शब्द से एक राजनीति करने वाले कुछ लोग हैं, कुछ यूनियंस हैं, और इन यूनियंस को भी अब इस समय आपके सामने मैं बोलूंगा तो कुछ शायद वो आरोप लगेगा उनके ऊपर, मैं इतना ही कहूंगा कि अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के कारण से जो राजनीति चलती है उस वो भी कहीं ना कहीं उसमें जुड़े हुए हैं। हमारा कहना है कि राजनीति करनी है तो खुले मंच पर आकर के करनी चाहिए,
ऐसे किसी वर्ग को भड़का करके और किसी को डाल करके, ये चीजें पिछले कई सालों से चल रही हैं। और कुछ एक ग्रुप होते हैं, ज्यादा नहीं होता है, आखिर हरियाणा में किसान कितना है? 10 लाख से ऊपर किसान होगा, क्यों? 10 लाख। और जो सड़कों पर आने जाने वाले लोग, ये 50,000, 40,000, 30,000 ये लोग हैं, कितना ही करोगे वही रहेगा। हर बात के ऊपर एक नई कंडीशन होती है। सीएम साहब, आपने कहा कि रामकरण काला का जो रेजिग्नेशन है वो उन्होंने अनाउंस कर दिया, आपके पास पहुंचा नहीं है, नहीं दिया। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन है, जरूरी है या मजबूरी है? देखिए, विषय वो नहीं है, विषय तो रामकरण काला का मैं समझता हूँ, जो कि सूरजमुखी सामान्यतः शाहबाद विधानसभा क्षेत्र का ही बड़ा प्रोडक्ट है, दूसरे विधानसभाओं में आसपास के 4-5 विधानसभाओं में थोड़ा होता है। तो हो सकता है उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव किसानों का रहा हो, हो सकता है कि एक राजनीति तो है, दिखती है उसमें। आज अगर वो नहीं बोलेंगे तो कोई अलनाबाद का या कोई पलवल का MLA तो नहीं बोलेगा उसके लिए, नवोरनी का बोलेगा, क्योंकि ये विषय सूरजमुखी का सिर्फ वहाँ है और एक एक हवा बना दिया गया, और वो इन्होंने ही बनाया हुआ, किसी और ग्रुप ने बनाया। गठबंधन जारी है, जारी रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। लाठीचार्ज के स्थान पर उनको बातचीत से समझाया जा सकता था, लाठीचार्ज गलत हुआ। हमने बातचीत की, बातचीत के बाद फिर ये शाम को बातचीत तो दिन भर से चल रही थी, सुबह उन्होंने किया, ये दिन भर से बातचीत चली, नहीं हुआ विषय। कोर्ट के डिसीजन आने के बाद भी 1 घंटा 6 बजे से लेकर 7 बजे तक बातचीत हुई। आखिरी जिम्मेदारी तो पुलिस की है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और वो ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि आप एमिकेबली उनको समझा करके रास्ता खाली कराइए, और अगर नहीं खाली करते हैं तो एडुकेट फोर्स वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब वो कितनी फोर्स यूज़ करनी है ये मौके की पुलिस जाने, उनका काम जाने, उनका काम एक ही, रास्ता खुलवाना है। देखिए, मैंने अपील की है आज, मैंने आज अपील करता हूँ मैं किसानों को आपके माध्यम से भी, कि इस प्रकार के कार्यक्रम से कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो हमने कहा कि हम किसानों के उस रेट को वहाँ तक ले जाएंगे, निर्णय आज इसलिए नहीं किया जा सकता कि बाजार भाव का कोई पता नहीं होता है। हमने इस बाजार भाव के नज़दीक 5 दिन में 4 दिन में पता लग जाएगा, क्योंकि है तो ये 15 दिन की सेल परचेस, तो 4-5 दिन में रेट पता लग जाएगा। उस 4-5 दिन के बाद किसान के हित में जो निर्णय करना होगा करेंगे, लेकिन उनके किसी प्रेशर में, दबाव में नहीं करेंगे। देखिए, संगठन के काम अपनी जगह होते हैं, सरकार के काम अपनी जगह होते हैं। हम सरकार चल रही है, चला रहे हैं, कहीं कोई हमको समस्या नहीं है। संगठनात्मक चीजें प्रभारी जो होते हैं वो संगठनात्मक बातों के लिए होते हैं, वो सरकार के लिए नहीं होते हैं। संगठन के निर्णय में उन्होंने क्या करना है, उनके सामने आगे चुनाव है, फिर उसके बाद दूसरा चुनाव है, उसको ध्यान में रख करके कुछ बातें उन्होंने सोची होंगी, विचार की होंगी, तो उसके बारे में कम से कम मैं तो अभी कमेंट नहीं कर सकता। लगातार निर्दलियों से मिले हैं, कल भी मिलना में कोई हर्ज नहीं है, आखिर सबसे मिलते हैं, मिले भी हैं, और लगातार जब उन्होंने नहीं मेरे से मुलाकात की तो बहुत सी चर्चाएं होती हैं। नहीं, किसानों के बारे में हुई चर्चा, ऐसा नहीं कि नहीं हुई, हमने उनको बताया सारा विषय, हरियाणा के बैकग्राउंड में किसानों का हम क्या क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें आज आपको बताई हैं। ये सब बातें कह रहे हैं, बार बार मीडिया के सामने आ गए, मीडिया के सवाल पूछने थे कि गठबंधन टूट जाना चाहिए और भाजपा को इससे नुकसान हो रहा है, दिल्ली में भी ऐसी बात की गई, चौधरी बरिंदर ने भी कहा, सोमवीर सांगवान ने भी कहा, गोपाल कांडा ने भी कहा। आपको नहीं लगता कि आपकी बात ठीक है कि गठबंधन चल रहा है, जो प्रभारी जो है और उद्देश्य था, इस तरह की बातें जो उठेंगी, लगातार उठ रही हैं, उनसे गठबंधन पर कोई असर पड़ रहा है, मनमुटाव? कहीं कुछ नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता। हमारी जब भी मीटिंग होती है, हम व्यक्तिगत भी मीटिंग करते हैं, डिपार्टमेंट की मीटिंग करते हैं, कैबिनेट की मीटिंग भी करते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है हमारे यहाँ, किसी डिपार्टमेंट के नहीं है, किसी और चीज़ के नहीं है। आगे की राजनीति के लिए संगठनों ने कहा, देखिए उनका हमारा जो गठबंधन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो पहले भी हमको चुनाव गठबंधन में थोड़ी लड़े थे, वो तो आवश्यकता, हमारी भी आवश्यकता कहे, उनकी भी आवश्यकता कहे, दोनों की आवश्यकता थी, जनहित में हमको ये सब करना था, हमने किया। इसमें जनता का हित पहली बात होती है, क्योंकि आखिर सरकार में मेजोरिटी एक अपने आप में सिद्धांत है, तो मेजोरिटी में कोई भी नहीं था, अब कोई नहीं था तो कुछ ना कुछ करके मेजोरिटी बनाने के लिए कोई एक अंडरस्टैंडिंग बनी है, उसमें इंडिपेंडेंट भी हमारे साथ हैं, JJP भी हमारे साथ है, हम
संख्या में कुल मिलाकर के 58-59 लोग हैं। केवल अगर 31 अब तो 30 हो गए, 30 कांग्रेस के और एक आईएलडी और एक है एक एक बस, तो ये 32 लोग हैं जो बाहर हैं, 58 लोग तो साथी हैं। पर ये इस तरह की बात निर्दलीय क्या कुछ पाना चाहते हैं सरकार से कि उन्हें कुछ? मैंने बताया मेरे सामने मेरे साथ कोई ऐसा विषय नहीं हुआ, प्रभारी प्रभारी जी के साथ मीटिंग हुई उस समय, मुझे इसका कुछ पता नहीं है। इसमें विषय ये नहीं है क्या ये सरकार, कैमरों में कहा कि गठबंधन की कोई अहमियत नहीं है, हम साथ के साथ। अच्छा हो कि आप सोमे से पूछ लो, आपको पूछने उनसे पूछ रहे गठबंधन की सरकार चल रही है आप करो जनता के हित के लिए, अब बीजेपी जेजेपी सरकार जनता के हित में ही ठीक काम कर रही है। तो ये तो आगे ये तो आगे की बातें चल रही है, आप आज की बात हो रही है, आज आज गठबंधन है वो जनता के हित में ही चल रहा है। गठबंधन तोड़ते ही 25% एंटी इनकमबेंसी सरकार खत्म हो जाएगी। अब अनुमान सबके अपने अपने बातें सबके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने काफी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसानों को तोहफा देने की बात कही, भावांतर भरपाई योजना के तहत पैसा दिया जा रहा है किसानों को, ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 8528 किसानों के खाते में पैसा जमा होगा ये भी कहा मुख्यमंत्री ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। सूरजमुखी की फसल के लिए भरपाई की गई है। साथ ही विधायक रामकिरण काला पर भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मुझ तक कोई इस्तीफा नहीं पहुंचा है, मेरे पास कोई इस्तीफा नहीं आया है, किसान हमारे अपने लोग हैं, ये भी कहा मुख्यमंत्री ने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसान लेकिन किसी बहकावे में ना आए और सड़क जाम करना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ संगठन किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं, ये ठीक नहीं है। बड़ा अपडेट अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हाईवे रोकना लोकतंत्र का हिस्सा नहीं, तमाम बातें कही मुख्यमंत्री ने। आप दूसरों की आजादी में बाध्य नहीं बन सकते। गठबंधन पर कोई समस्या नहीं, जनहित में हमने गठबंधन किया है। गठबंधन पर, किसानों के मामले पर, भावांतर योजना पर, सूरजमुखी की फसल की एमएसपी पर, तमाम चीजों पर मुख्यमंत्री ने बात की। उन्होंने कहा कि सूरजमुखी की फसल के लिए भरपाई की गई है। विधायक रामकरण काला पर भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया और कहा कि हमारे पास कोई इस्तीफा नहीं पहुंचा है। और आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायक रामकरण काला के चेयरमैन पद से इस्तीफे पर क्या कहा, सुनते हैं। लोग राजनीति करते हैं, कुछ दबाव डालने के लिए भी संगठन लगे रहते हैं कि जो करना आज ही करो, जो करना आज ही करो। हम उनको समझाते हैं और कभी कभी तो उनको समझ में आती है, जैसे हमारी जो संगठन जिन्होंने इसका मांग की थी तो पहले दिन तो यही बात आई थी कि ठीक है आप फैफेड को उतार दीजिए, 1000 रुपये आपने दे दिया, आप फैफेड को उतार दीजिए, रेट अपना बढ़ जाएगा, बाकी ठीक हो जाएगा। हमने बात मान ली, लेकिन जब वो मान ली तो फिर कह दिए नहीं नहीं पहले पूरा घोषणा करो। तो घोषणा करने का जब भावांतर भरपाई दी जाती है तो घोषणा हम नहीं कर सकते, इस नाते से उस काम को किया। अब एक सज्जन तो हमारे अब राजनीति कहूँगा अपने इस्तीफे का भी बयान कर गए। मैं सोच रहा था कि भी वो कोई इस्तीफा उनका, क्योंकि एज चेयरमैन ऑफ शुगर केन जो बोर्ड है उस नाते से इस्तीफा मेरे पास आना चाहिए या सरकार में किसी को मिलना चाहिए, वो हम ढूंढ ही रहे हैं कहीं इस्तीफा हमें मिला नहीं है, कहाँ है वो। आएगा तो उसके बाद फिर उनसे बात करेंगे ना। अब तक इस्तीफा आया नहीं सर ना किसी के पास, हमारे पास सरकार में किसी को मंत्री नहीं। वो तो देखिए सामने वाला क्या सोच के कह रहा है ये उसकी अपनी बात है, इस्तीफा आएगा तो बात करेंगे, हमारे पास कोई इस्तीफा आया नहीं है। अब यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पूछो कि कहाँ गया इस्तीफा, मेरे पास कोई इस्तीफा नहीं आया।